जरूरी नहीं होता कि जिस मूवी का आपको ट्रेलर पसंद आ जाए वो मूवी अच्छी होती है। खैर, टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डे शिफ्ट मूवी के बारे में। जब इस मूवी को मैं देखने बैठा था, मतलब उससे देखने से पहले नेटफ्लिक्स पर मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मेरे सामने ये डे शिफ्ट करके मूवी आ रही थी। इसको देखने से पहले मैं यूट्यूब पर गया कि भाई साहब कम से कम इसका ट्रेलर तो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है इस मूवी के अंदर। अब देखो यार, मैं बड़ा चूजी हो गया हूँ क्योंकि टाइम की कमी रहती है, तो मैं अपना टाइम थोड़ा ढंग की जगह इन्वेस्ट करूं। भैया एंटरटेनमेंट ले रहे हैं तो एक अच्छी मूवी ही देख लेते हैं, अच्छी सीरीज देख लेते हैं। ऐसे घटिया वाहियात बकवास ऐसी सीरीज या मूवी देखने का क्या ही फायदा है, दिमाग और खराब हो जाएगा। तो मैं इसका ट्रेलर देखने यूट्यूब पे पहुंचा, यूट्यूब पे मुझे इसका ट्रेलर पसंद आया, तो डिसाइड किया कि यार मूवी देख लेते हैं। 2 घंटे के आसपास इसकी लेंथ है। खैर, स्टोरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बर्ड नाम का एक व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, उसकी वाइफ और उसकी बच्ची से। अब उसको अपनी बेटी से दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उसकी बेटी कुछ कारणों से दूर जा रही है। अब उसको अगर अपनी बेटी को रोकना है तो उसको रुपये चाहिए। अब क्यों चाहिए, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको मूवी में पता चल जाएंगी। खैर, अब वो रुपये कमाने के लिए जो वर्क करते हैं, खैर अपने परिवार को तो उसने बता रखा है कि वो स्विमिंग पूल को जो है वो साफ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वर्क है वैम्पायर को मारने का। और वैम्पायर को जब मारते हैं तो उसको उससे पैसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, देखो इन तमाम सवालों के जो जवाब है आप जब मूवी देखोगे तभी पता चलेगा। अब देखो यार, ये मत पूछना कि क्या इसके अंदर वैम्पायर कहां से आए हैं, क्या ये सब चीजें भी दिखाई जाएंगी। नहीं नहीं बस वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। मतलब ये मुझे भी झटका दिया था यार, ये क्या है, एकदम से क्या चीज है, क्या ज़ॉम्बी है। फिर बाद में जब बताते हैं कि वैम्पायर है, मुझे काफी टाइम बाद पता चला कि इस मूवी के अंदर ये वैम्पायर है। और इवन इस मूवी के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि वैम्पायर की भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तकरीबन 6 प्रजातियां इन्होंने गिना दी थी। खैर, ये चीज मैंने नोट कर ली क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में काम आने वाली है। मूवी के जो फाइटिंग सीन है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, इतने बढ़िया तरीके से उनको मतलब रिप्रेजेंट किया गया है। फिर इसके बाद इस मूवी में जो कैमरा वर्क है, एक सीन आता है इस मूवी में चेजिंग सीन, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके का कैमरा वर्क वहां पर किया गया है। और जो मूवी के जो करेक्टर है उनको एक दूसरे के साथ जैसे कनेक्ट करके स्टोरी को आगे बढ़ाया गया, ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद आई। देखो इतनी ही सब चीजें थी जो मैंने आपको बताई जो इस मूवी में मुझे अच्छी लगी। जो कमियां हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मूवी नो डाउट स्टार्टिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करती है, आपको एक अलग सा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, आप थोड़े हैरान हो जाते हैं यार ये सब चीजें क्या चल रही है। लेकिन मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। इवन इसकी जो एंडिंग है, जो जिसमें जिस तरीके की एंडिंग दिखाई गई है वो तो मुझे बहुत घटिया एंडिंग लगी यार। वो मतलब जिस तरीके की एंडिंग, अब क्या बताऊं यार, वो बताया तो फिर आपके सामने जो है कहोगे कि यार आपने स्पॉइलर दे दिए। बस इतना समझ लो यार, एंडिंग के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, कहीं पर भी एंडिंग कर सकते थे, बस ऐसे बिना वजह कहीं और ले गए उसको। सच में यार वो बिल्कुल हजम नहीं हुई यार, कोई उसका लॉजिक नहीं बनता, कोई भी उसका रीजन नहीं बन रहा था यार, ये क्या दिखा रहे हो, क्या जरूरत थी। इवन बहुत पहले भी एंडिंग हो सकती थी, वहां क्यों नहीं की, यहाँ आने के तुमने कौन सा नई चीजें उखाड़ के रख दी यहाँ। तो और साथ ही साथ इसमें फनी टच देने के लिए डायलॉग को जिस तरीके से, मतलब जैसे डायलॉग लिखे गए हैं वो भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत बढ़िया है आपको उस पर हंसी आ जाएगी। और ये मूवी कोई ऐसी भी नहीं है कि आपने इसको नहीं देखा तो आपने बहुत बढ़िया कंटेंट मिस कर दिया, ऐसा भी नहीं है। मतलब स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। VFX की बात करूं तो देखा यार मुझे इतने खास VFX पसंद नहीं आए हैं, मुझे ऐसे लगा इस मूवी को देखकर बस ऐसे ही इन्होंने मूवी बना दी कि भाई यहाँ कुछ भी बनाना था, ज़ॉम्बी के टाइप दिखाने थे वो बना दो, थोड़ी बहुत फाइटिंग दिखा दो, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए मूवी इन्होंने बना दी। हिंदी डब में मैंने इस मूवी को देखा, इंग्लिश डब में भी, इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि दो डबल डबल पैसे देने पड़ते। फिलहाल मैंने इसको हिंदी डब में देखा और मुझे हिंदी डबिंग इसकी अच्छी लगी है। वह मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 4.5/10। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। और आप इच्छुक हैं एक अलग टाइप का, ज़ॉम्बी अलग अलग टाइप के होते हैं इनके बारे में जानने के लिए, तो आप ये मूवी देख सकते हैं, वरना नहीं भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।